हाय गाइस, मेरा नाम है नाबिर, आप देख रहे हैं कि डीबी। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर पेज को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दें, पास वाली घंटी को बजा देना और 1.5 लाख सब्सक्राइबर दे देना। तो गाइस, जैसे कि आपको पता होगा 35 रुपीज़ एक दिन में पेट्रोल भर चुका है। जैसे एक दिन में पानी नहीं, जब पानी होता है तब गैस नहीं होती, जब गैस होती है तो बिजली नहीं होती, जब बिजली होती है तो ऐसा पेट्रोल भर जाता है। तो इस लिहाज से हम लोग लोगों से पूछेंगे कि हम लोग पेट्रोल पंप पे हैं, लोगों से पूछेंगे कि इस लिहाज से उनका क्या कहना है। एक दिन में पेट्रोल बढ़ गया है 35 रुपीज़। देखिए, मेरे हिसाब से तो पेट्रोल बढ़ना कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि मुल्क है, मुल्क को चलना है, चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन अगर ये पैसा सही जगह इस्तेमाल हो तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो आप जैसे दानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस लिहाज से? हम इस काबिल ही नहीं कि हम अपने सियासतदानों को कुछ कह सकें। हमारे सियासतदान बहुत अच्छे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत काबिल हैं, बहुत अच्छे से मुल्क चला रहे हैं। उनको समझ जाना चाहिए कि उनको क्या करना है, और अगर इतने 70 साल में उनको ना समझना है तो फिर फायदा नहीं है फैसलों का, फिर मेरे हिसाब से कोई बादशाह आ जाएगा। तो आप इतनी हैवी बाइक लेके घूमते हैं, तो इसमें कितना टोटल खर्चा आता है? बहुत सारी चीज़ ऐसा नहीं कैसे भी ये लेके घूम रहे हैं, इसके पीछे मेहनत ही बहुत है जी। तो पेट्रोल में मतलब कितना पेट्रोल लगाते हैं आप एक दिन में? नहीं, ऐसे डेली का नहीं है, यूज़ नहीं है सर, हम लोग वीकली या मंथली इसमें चलाते हैं बस। तो ये बस वीकली इसमें करता तो इतना, ये शॉप की चीज़ें बस रेगुलर। गरीब आम खान जाए, अभी जो है ना सिर्फ जो है ना सुबह से जो है ना 500 रुपये का था, 500 रुपये जब यहाँ आए तो जो है ना जब तेल पूछा तो 250 पे पहुँच गया, 2 लीटर तेल डलवाए अपने काम तक से पहुँचते हैं वापस आते तक जो है ना 500 इधर खर्च हो गया, तो बच्चों को क्या लेके चले जाए? 35 रुपये बढ़ा दिए, इनको शर्म आनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। गरीब आवाम है, थोड़ा सा कोऑपरेट करना चाहिए, इतनी महंगाई हो गई। चलें आप मैं तो अफोर्ड कर लेंगे, मगर जो बेचारे जिनके पास रेंट पे रहते हैं उन वो क्या करेंगे? सो काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा देखभाल कर अपने मामला को। तो मैं कह रहा हूँगा कि बस उन्हें बहुत अच्छी दुआएं दे, दुआई दे सकते हैं और क्या कह सकते हैं, घबराना नहीं है, कुछ भी हो जाए। बाकी अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, अच्छे मुसलमान बन जाए। वो असेंबली से ज़्यादा थोड़ा मस्जिद का रुख कर लें तो शायद अल्लाह पाक उनके दिल में कुछ डाल दे। एक और यूट्यूबर मौजूद है, हम लोग उनसे भी बात करते हैं कि उनके यहाँ से क्या कहना है। जैसे ये पेट्रोल बढ़ा है, इसके लिहाज से आपका क्या कहना है? भाई, हमारा कहना यही है कि डायरेक्ट सफ़र हो रहे हैं इस पर, ठीक है ना। आम आदमी सबसे ज़्यादा जो बाइक पर सफ़र करने वाला आदमी वो तो बहुत ज़्यादा सफ़र हो रहा है। तो बहरहाल इस कीमत बढ़ने के बाद आम आदमी की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क आएगा, चाहे बड़े किसी की ज़िंदगी में आए या ना आए। और आप सियासतदानों को क्या कहना चाहते हैं 35 रुपये जो बढ़ गया एक दिन में? हम यही कहना चाहते हैं कि भाई ये एक जगह पर तय कर दें कि भाई ये आखिरी रेट है, इसके बाद नहीं बढ़ेगा, तो शायद कौम सब्र कर ले। ये जो हर 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद बढ़ जाता है ना, ये कौम को वही है कि जोर का झटका धीरे धीरे वाली बात है। सियासतदान सिर्फ अपने पेट भर रहे हैं, आवाम के लिए उनकी कोई फिक्र नहीं, कोई सिंसियर नहीं है। पाकिस्तान से सियासतदान जो है ना, कोई भी सिंसियर नहीं है, वो सिर्फ अपने पेट भर रहे हैं। हम रिक्शे वाले से पूछते हैं कि उनको दिन में कितना इजाफे पड़ता है। मुझे क्या इजाफे होगा, सुबह से रिक्शा भगा भगा के ये टाइम हो गया, 1000 रुपये का पेट्रोल जल गया, काम किया है 700 रुपये का, अब बताएं क्या मुझे क्या होगा फ़ायदा। तो आप सियासतदानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? क्या पैगाम देंगे, खुद चलाएंगे, खुद कमाएंगे, उनको क्या पैगाम दें सियासतदानों को? उनको कोई फ़र्क पड़ता है 250 हो जाए 300 हो जाए, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप दिन में कितने का डलवाते हैं, जो आप रोज़ाना काम करते हैं तो कितने का डलवाते हैं? हाँ, मैं पूरे दिन में सुबह 7 बजे निकालता हूँ, शाम में रात को तकरीबन 9 बजे खड़ा करता हूँ। अच्छा। रिक्शा तो मेरा लग जाता है तकरीबन 1500-1600 रुपये का लग जाता है। और कमाई कितनी होती है? बस बराबर जा रहा हूँ अभी तक तो। अच्छा। हाँ, जितना पेट्रोल जलाता हूँ उतना कमाता हूँ, घर क्या लेके जाता हूँ, खाना ख़राब, अकबत खुआर, बस यही कुछ है। सो गाइस, जैसे आपने लोगों के जवाब सुने, क्योंकि गरीब लोग हैं, कितने मुश्किल से ये मतलब अब पेट्रोल बढ़ गया है गुजार रहे, एक चीज़ फिक्स कर दो, और ऐसा पाकिस्तान में हो ही नहीं कि एक प्राइस बस एक चीज़ की फ़िक्स हो जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता पाकिस्तान में। या आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, पूरी दुनिया जानती है। अपना खर्चा करना कम कर दें, अपना मेकअप करना कम कर दें, ब्रांड के कपड़े पहनना कम कर दें। तो अगर आप लोग सस्ते कपड़े पहन लेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो आप अगर
अपना मेकअप वेकअप थोड़ा सा कम कर देंगे, महंगा नहीं लें आप, सस्ता ले लें। ये नहीं कह रहे कि आप नहीं लें, आप सस्ता ले लें, कुछ भी सामान है सस्ता ले लें, लेकिन आप क्या ऐसे कि आप इतने 1.5 लाख की आप अपनी चप्पलें ले रहे हैं। ये हुकूमत वाले अपने ऊपर लगाना बंद करें अगर, और हम पे लगाएं या हम पे भी नहीं पाकिस्तान पे लगाएं, तो ये मुल्क सही हो सकता है और बैंकक्रप्ट होने से भी बच सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता आने वाले कुछ सालों में या कुछ महीनों में ये मुल्क बैंकक्रप्ट हो सकता है, तो गरीबों का क्या होगा, हमारा क्या होगा। अभी मैं ये व्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ और मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।